दोस्तों, आई एम शार्क और मैं आज आपके सामने फिर से एक नया इफेक्ट लेके हाजिर हुआ हूँ। इफेक्ट का नाम है स्लो मोशन इफेक्ट। तो आइए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट उठाते हैं। ये रहा, हमारा प्रोजेक्ट उठ चुका है। अब हम इसे टाइमलाइन पे लाते हैं। चेंज सीक्वेंस सेटिंग आप कर भी सकते हैं और नहीं भी, मैं मोस्टली इसी पे काम करता हूँ इसलिए मैं करता हूँ। उसके बाद अनलिंक करके इसकी वॉइस को हम हटा देते हैं। वॉइस डिलीट करके मैंने हटा दी डायरेक्ट डिलीट बटन से, और ऑल्ट के साथ माउस व्हील का अप एंड डाउन यूज़ करके हम इसे जूम कर लेते हैं। यह हमारी वीडियो जूम हो गई है। हम एक बार इस वीडियो को प्ले करके देख लेते हैं ये वीडियो परफेक्ट है या नहीं। स्पेस बार से प्ले होता है। ये वीडियो बिल्कुल परफेक्ट है और अपनी एक्चुअल टाइमलाइन से चल रही है। अब हम इस पे स्लो मोशन इफेक्ट डाल के देखते हैं कि वो कैसे वर्क करता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने राइट क्लिक किया, शो की फ्रेम्स एंड टाइम रिपलिंग स्पीड। जैसे ही टाइम रिपलिंग स्पीड करते हैं तो हमें एक ये येलो सी लाइन मिल जाती है। इसे हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं। यह हमें येलो लाइन मिल गई। एक्चुअल में ये पहला पैटर्न है जिसे मैं दिखाने जा रहा हूँ। इस येलो लाइन के पास पर ये जो वीडियो है इस पर मैंने क्लिक किया और ये अपनी एक्चुअल टाइमलाइन पे है अपने एक्चुअल टाइम के साथ। अब मैं इसे यहाँ पर एक की फ्रेम डाल के इसे थोड़ा सा अप की तरफ करता हूँ। और थोड़ा सा आप और थोड़ा सा आप अब यहाँ पर जाके इसे फिर से की फ्रेम लगाता हूँ और थोड़ा सा डाउन की तरफ करता हूँ, नीचे की तरफ। अब हम परफेक्टली देख सकते हैं कि हमारी जो लाइन थी वो यहाँ पर डाउन है, यहाँ पर अप है और यहाँ पर फिर से डाउन है। हम इस लाइन को पकड़ के थोड़ा सा और डाउन करते हैं, लगभग इस लाइन के बराबर। अब हम देखते हैं कि हमारी जो स्लो मोशन इफेक्ट है वो क्रिएट हुआ या नहीं, बना या नहीं। ये हमारी स्लो मोशन इफेक्ट है। मिड में फास्ट मोशन इफेक्ट होगा और फिर से स्लो मोशन इफेक्ट आ गया। ये देखिए, तो ये हमारे फास्ट मोशन और स्लो मोशन दोनों ही इफेक्ट एक साथ ही बन गए। ये रहा हमारा पहला पैटर्न, ये स्लो मोशन इफेक्ट, ये फास्ट मोशन और ये फिर से स्लो मोशन। मैं फिर से एक बार आपको दिखा देना चाहता हूँ कि जहाँ पर ये लाइन डाउन है, इस फेड ब्लू लाइन और डार्क ब्लू लाइन के नीचे है, वहाँ पर स्लो मोशन इफेक्ट लगा है, और जहाँ पर ये ऊपर है वहाँ पर फास्ट मोशन इफेक्ट लगा है। फिर से चेक करिए दोस्तों, इसे यूज करते समय की फ्रेम लगाना कतई मत भूलिएगा।
अब हम फिर से इसे डाउन करते हैं। ये रहा हमारा एक तरीका जिसे मैंने आपको दिखाया। अब हम दूसरे तरीके से, दूसरी टाइप से इसे बनाने की कोशिश करते हैं। मैं वीडियो को फिर से लाया। यह हमारी वीडियो की एक्चुअल टाइमिंग है, देखिए। पहला पैटर्न कंप्लीट हो चुका है दोस्तों हमारा। अब दूसरे पैटर्न पर आते हैं। ये रहा दूसरे पैटर्न, ये रहा दूसरा पैटर्न, क्लिक। और यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है, एक्चुअल में ये ओपेसिटी कम कम और ज़्यादा करने के लिए होती है। बट जब हम इसे राइट क्लिक करके स्पीड एंड ड्यूरेशन पे जाते हैं तो ये अलग काम करती है। अब हम फिर से कोशिश करते हैं इसे स्लो मोशन और फास्ट मोशन देने की। यहाँ पर हम आते हैं रेट स्ट्रेच टूल। हमने रेट स्ट्रेच टूल से इसे कंप्रेस कर दिया। ये कंप्रेस नहीं हो रही, अब ये कंप्रेस हो जाएगी। अनलिंक करना मैं भूल गया था, उसे अनलिंक कर देता हूँ। ये रेट स्ट्रेच टूल से अभी ये कंप्रेस हो गई है। तो देखते हैं हमारी जो वीडियो थी उसकी एक्चुअल स्पीड क्या हो गई है। ये बहुत फास्ट चल रही है। और इसी को अगर हम स्ट्रेच कर देते हैं उसकी एक्चुअल हाइट से ज़्यादा, तो ये देखिए स्लो मोशन पे आ जाएगी। ये देखिए ये स्लो मोशन पर काम करने लगी। मैंने आपको दो तरीके बताए, अब इसके बाद मैं तीसरा तरीका बताने जा रहा हूं आप लोगों को। डिलीट, मैंने वीडियो ली, अनलिंक किया, ऑडियो को हटा दिया, वीडियो रखा है सिर्फ। अब इसके बाद ये जो तीसरा तरीका है ये फाइनल तरीका है। मैं पहले भी दो तरीके बता चुका हूँ स्लो मोशन और फास्ट मोशन करने के। ये तीसरा तरीका है, तीसरा टाइप है। क्लिक एंड क्लिप देन स्पीड एंड ड्यूरेशन। स्पीड एंड ड्यूरेशन में मोस्ट प्रोबली हम स्लो मोशन इफेक्ट लगाने के लिए 50% का यूज़ करते हैं। एंड देन ओके, देखिए जैसे ही हमने 50% लगाया हमारी जो वीडियो की हाइट थी वो बढ़ गई है। अब ये देखिए स्लो मोशन पे काम करेगी। ये हमारा स्लो मोशन तैयार हो गया। तो दोस्तों मैंने स्लो मोशन और फास्ट मोशन के आपको तीन टाइप्स बताए, तीन तरीके बताए। आपको जो तरीका पसंद आए आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्रीमियर प्रो के और इफेक्ट्स के साथ मैं कल फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर, शुक्रिया।